हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्कीमा क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए देखते हैं स्कीमा के बारे में और प्रैक्टिकली समझेंगे। यहां पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज करूंगा स्कीमा को समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि स्कीमा क्या होता है और उसको कैसे हम यूज करते हैं। आप इसी चीज को एसक्यूएल सर्वर पे कर सकते हैं, माई एसक्यूएल में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं स्कीमा। तो यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्कीमा, तो अ डेटाबेस स्कीमा इज कंसिडर्ड ब्लूप्रिंट, ठीक है, ऑफ अ डेटाबेस विच डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा मे रिलेट टू द अदर टेबल और अदर डाटा मॉडल्स। यानी कि एक टेबल, देखिए एक डेटाबेस जब आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे टेबल्स आप बना सकते हैं, तो उस एक डेटाबेस के अंदर जो बहुत सारे टेबल्स हैं वो किस किस तरीके से रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इसी को हम, इसी के पूरी ब्लूप्रिंट जो होती है उसे हम कहते हैं स्कीमा, ठीक है ना। इसे हम स्कीमा के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो एसक्यूएल सर्वर यूज कर लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एक्सेस को यूज कर रहा हूं, तो यहां पे एक्सेस मैंने टाइप किया तो यहां पे एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ही लेता हूं, इस पे भी हम काम कर सकते हैं इजिली, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमें ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है, जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं तो क्रिएट पे जाएंगे, तो क्रिएट पे जाने के साथ ही एक इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा। यहां से जाकर के एक टेबल बना लीजिएगा, तो ये डिजाइन पे जाकर के यहां पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट टी, स्टूडेंट की टेबल स्टूडेंट टी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी आ रहा है तो यहाँ पे मैं रोल नंबर कर देता हूँ, ये रोल नंबर, ये हो गया रोल नंबर, ठीक है। इसे ऑटो नंबर रख देता हूँ, ये प्राइमरी की है, नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं प्राइमरी की, यानी कि एक यूनिक की होगी। जब भी इसमें वैल्यूज आएंगी, जब भी इसमें चीजें आएंगी तो वो यूनिकली आएंगी, यानी कि एक रोल नंबर रिपीट नहीं होने वाला है। दूसरा चीज कि इसमें मैंने डेटा टाइप ऑटो नंबर लिया, यानी नंबर खुद से आता जाएगा, रोल नंबर खुद से आता जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, आप चाहे तो इसके लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं, यहां से जाकर लुकअप विजार्ड पे चले जाएगा, ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर पाएंगे, समझ आई बात। अब ये दो चीजें यहाँ पे हमने दे दी है, अब यहाँ पे दे देता हूँ क्लास, तो ये क्लास भी दे दिया हमने, और यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप ही रख लेता हूं, और यहां से व्यू पे क्लिक कर देते हैं, उसको सेव करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ये देख सकते हैं ना। तब रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे नेम में राम लिख देता हूं, और यहाँ पे क्लास में लिख देता हूं 12, ठीक है। तो ये 12 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप 12th भी कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप का फायदा देख रहे हैं, यहाँ पे 12th भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नाम लिखता हूँ हीना, हीना, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 12th लिख सकते हैं क्योंकि आपने टेक्स्ट डेटा टाइप लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ रितेश, ठीक है, और यहां पे 12th लिख देता हूं, और यहां पर अगला नाम लिख देता हूं सरोज, एक और नाम लिख दिया हमने, और यहां पे भी 12th लिख देता हूं। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे। अब यहां पे आके सेव कर लीजिए, सेव कर लिया, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, ये एक टेबल हमारी बन गई, ठीक है। डेटाबेस हमारा एक ही है लेकिन टेबल हम इसमें दूसरी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। यहां से जाकर के टेबल पे जाएंगे और यहां से व्यू पे जाएंगे, जैसे ही व्यू पे जाते हैं तो यहां पर रजिस्ट्रेशन कर देता हूं, रजिस्ट्रेशन टी, रजिस्ट्रेशन टी यानी रजिस्ट्रेशन वाली टेबल अब हम बनाने जा रहे हैं। तो यहां पे लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ये लिख दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर यहां से टेक्स्ट डेटा टाइप में रख लेता हूं, या आप ऑटो नंबर भी रख सकते हैं, तो फिलहाल मैं टेक्स्ट रखता हूं, ऑटो नंबर नहीं रखेंगे क्योंकि ऑटो नंबर रखेंगे तो ये दो टेबल में एक साथ एक ही वैल्यूज आती चली जाएंगी। और यहाँ पे दूसरे जो कॉलम है, दूसरा जो फील्ड है, वहां पे हम रोल नंबर डालेंगे। क्यों रोल नंबर डालना हूं, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करानी है, ठीक है। और यही तो कहलाता है आपका, अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन दिखाया स्कीमा का, तो यहां पर देख सकते हैं टेबल स्कीमा इज कंसिडर्ड द ब्लू प्रिंट ऑफ अ डेटाबेस विच डिस्क्राइब हाउ द डाटा मे रिलेट, कैसे डेटा रिलेट होगा ये बताता है स्कीमा, ठीक है। तो अभी हम इसको रिलेट करवाने वाले हैं, तो यहां पर रोल नंबर कर दिया हमने, रोल नंबर का डेटा टाइप हमने ऑटो नंबर रखा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर नंबर रख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ अन्य चीजें भी डालने वाला हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दे देता हूं साइड, साइड दे देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ड्रॉप डाउन बना के दिखा देता हूं, ये देखिए यहां से ड्रॉप डाउन आप बना सकते हैं, ठीक है। ये लुकअप विजार्ड पे गए, ये लुकअप विजार्ड पे जाने के बाद यहां पर आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट करिएगा, और यहां लिखिएगा साइंस, एस सी आई ई एन सी, साइंस लिख दिया, और यहाँ पे सेकंड में क्या लिख देंगे, कॉमर्स लिख देते हैं, कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड मैंने ले लिया, साइंस और कॉमर्स, ठीक है, मैथ्स नहीं लिया है, ठीक है, आपका जो भी हो यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है। इसका जो डेटा टाइप हमने रखा था वो रखा था टेक्स्ट, तो यहां पर मैं कर देता हूं टी,
120 से स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर तो हमारा वही वाला रहेगा जो इस वाले टेबल में पड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर जो पड़ा हुआ है ये वही रहेगा, तो यहाँ पे 1 रखिएगा। और बाकी यहाँ पे साइड में साइंस साइड है, कॉमर्स साइड है, क्या है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे करेंगे टी 1021, यहाँ पे देखिए 121 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दूंगा और फिर यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, दूसरा यानी कि कॉमर्स साइड, तो ये कॉमर्स साइड हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे टी 122 यानी अगला, यहाँ पे 3 कर देंगे, फिर यहाँ साइंस साइड, फिर यहाँ साइंस साइड हो कॉमर्स साइड हो जो भी वो डाल दीजिएगा, फिर यहाँ टी 123, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो ये 4 कर देंगे और फिर यहाँ जो भी कॉमर्स हो साइंस हो देख लीजिएगा उसके हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो ये पड़ गया। यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए, दोनों टेबल बन गई हैं आपकी, देख सकते हैं स्कीमा अब आपको समझ में आएगा, ठीक है, किस किस तरह से टेबल्स रिलेट हो रही है यही कहलाता है स्कीमा। अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ, सेव कर ही लिया, इन दोनों टेबल्स को ऑफ कर देता हूँ, अभी तो कोई काम है नहीं। यहाँ पे डेटाबेस टूल्स आपको दिखाई देगा, रिलेशनशिप पे चले जाइएगा और यहाँ रजिस्ट्रेशन, ये दूसरा टेबल है, ये पहला वाला टेबल है, दोनों ही को हमने साथ में ले लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही टेबल आपको दिखाई पड़ रही होंगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपली ये जो रोल नंबर है ना इसको उठाइए और यहाँ इस रोल नंबर के सामने ला के रख दीजिए। ये एक एडिट रिलेशनशिप की विंडो ओपन होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है, तो यहाँ से आप क्रिएट कर दीजिए। तो जैसे क्रिएट करेंगे ना तो ये देखिए ये किस तरीके से रिलेट हुआ है, इसे कहते हैं स्कीमा, समझ रहे बात को, स्कीमा इसी ही कहते हैं कि ये किस तरीके से रिलेट हुआ आपस में। देख लीजिए रिलेशनशिप जो है वन टू मेनी रिलेशनशिप है, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एकदम क्लियर है ये चीज कि स्कीमा किस तरीके से हमने बनाया है, ठीक है ना। तो स्कीमा को एक तरह से डेटाबेस का ब्लूप्रिंट, डेटाबेस जो स्कीमा होता है वो ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है ना, किसका, डेटाबेस का, ठीक है। तो यहां पर आपको ये देखने से पता लगेगा कि ये देखिए ये कौन कौन सी चीजें, अच्छा इसको अभी आप यहां से मैं इसको क्लोज करता हूं, ये सेव करके, ये देखिए ये सेव कर दिया। अब यहां पर जैसे ही जाते हैं ना तो अब आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां दिखाई देगा, इसी को स्कीमा कहते हैं। अब स्ट्रक्चर कहां दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये जो है ना रोल नंबर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये रोल नंबर दिख रहा है ना, अब इसी के अंदर आपको ये प्लस का साइन दिखाई देगा, प्लस के साइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहां देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और साइड भी दिखाई देने लगा आपको, इसे कहते हैं स्कीमा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपको क्लियर हुई होगी कि स्कीमा क्या है, ठीक है ना। एक तरह से कह लीजिए आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, स्केलेटन सिस्टम है आपके डेटाबेस का, ये पूरा स्केलेटन सिस्टम, समझ आई बात। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करिएगा, साथ ही कोई सवाल हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।